Let's start with this topic, variable and memory references. ओके सो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि पाइथन में जब भी आप वेरिएबल क्रिएट करते हो तो उसका क्या मतलब है, मतलब हार्डवेयर लेवल पे व्हाट इज हैपनिंग. ठीक है, तो आई गेस एक चीज तो आपको पता होगी, यू आर कमिंग फ्रॉम कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड, यू शुड नो दिस कि जब भी आप कोई वेरिएबल को रन कर रहे हो, मतलब उसमें कोई वेरिएबल में कोई वैल्यू स्टोर कर रहे हो, तो आप फिजिकली अपने डिवाइस पे रैम में एक मेमोरी एलोकेट करते हो. रैम में मेमोरी एलोकेशन होता है. ठीक है, मतलब जब आपका प्रोग्राम खाली बैठा हुआ है, चल नहीं रहा है, तो वो रोम में है, हार्ड डिस्क में है. जैसे आप उसको डबल क्लिक करते हो तो वो उठ करके रैम में लोड हो जाता है और फिर लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होने लगता है. तो लेट्स से लाइन नंबर 10 में एक वेरिएबल था, उस वेरिएबल को एक वैल्यू चाहिए था. तो अब जैसे ही लाइन नंबर 10 एग्जीक्यूट होगा तो वो वेरिएबल क्या करेगा, रैम में उस वैल्यू को स्टोर करने जितना वैल्यू मांगेगा, मेमोरी मांगेगा. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज क्लियर होना चाहिए कि जो भी चीजें मैं पढ़ाने वाला हूं ये हो रहा है इनसाइड रैम. ठीक है, जैसे आप प्रोग्राम को बंद कर दोगे या मशीन बंद कर दोगे, सिंस रैम इज वोलाटाइल, वो सारा का सारा वेरिएबल्स, सारा का सारा मेमोरी जो ऑक्यूपाइड था प्रोग्राम के थ्रू, वो हट जाता है. और इसीलिए कभी कभी जब मशीन हैंग करता है तो हम उस सॉफ्टवेयर को बंद कर देते हैं. राइट, तो अपने आप फिर जब दोबारा स्टार्ट करते हैं तो सब कुछ ठीक हो जाता है, क्योंकि रैम इज अ वोलाटाइल मेमोरी. नाउ कम्स द क्वेश्चन कि एग्जैक्टली रैम में चीजें स्टोर कहां पर होती हैं. ठीक है, तो आई गेस आपने रजिस्टर्स का नाम सुना होगा, रजिस्टर्स. सो रजिस्टर क्या होता है, रजिस्टर इज बेसिकली इट्स बेसिकली दिस कंपोनेंट. जब खूब सारे रजिस्टर्स मिलते हैं तो रैम बनता है. रजिस्टर कैसे बनता है, रजिस्टर बनता है आपका फ्लिप फ्लॉप से. अगर आपने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा होगा तो फ्लिप फ्लॉप बोल की चीज होती है, फ्लिप फ्लॉप बनता है लॉजिक गेट से, और लॉजिक गेट्स बनते हैं आपके डायोड से. सो ये पूरा एक सेटअप रहता है. अब अगर मैं आपको दिखाऊं कि डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है मेमोरी का या रजिस्टर का, तो वो कुछ ऐसा दिखाई देता है. ठीक है, सो यहाँ पे दो कंपोनेंट्स होते हैं एक रजिस्टर में, देयर आर टू कंपोनेंट्स. सो एक जहां पे आप एक्चुअल चीज को स्टोर करते हो, ठीक है, और सेकेंड क्या होता है, उसका मेमोरी एड्रेस. ठीक है, और मेमोरी एड्रेस जनरली कंटिन्यूअस होता है. सो 1000 के बाद 1001 और उसके बाद आगे बढ़ता जाता है. ये 0x शो करता है कि ये हेक्साडेसिमल में. तो जनरली जब भी आप मेमोरी रिप्रेजेंटेशन करते हो तो एड्रेसेस को आप हेक्साडेसिमल में शो करते हो. ठीक है, अब जैसे यहां पर आप एग्जांपल ले सकते हो कि यहां पे मेमोरी में 4 स्टोर्ड है. ठीक है, और कौन से एड्रेस पे स्टोर्ड है, 0x1000 पे. ठीक है, अब यहां पर एक्चुअली यू कैन आस्क दिस क्वेश्चन कि कभी भी ऐसे डायरेक्टली 4 स्टोर नहीं होता है. राइट, आप बाइनरी में स्टोर करते हो चीजों को. तो एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन जो होगा, जो और हार्डवेयर लेवल पे होता है, वो कुछ ऐसा दिखाई देगा. आई विल क्विकली ड्रॉ कि कैसा दिखाई देगा अगर आप 4 स्टोर करोगे. तो ये रहा आपका, दिस विल बी योर मेमोरी, और यहां पर यू विल हैव दीज ब्लॉक्स, और यहां पे एड्रेस होगा 1000, 1001, 1002, 1003. ठीक है, लेट्स से आपको 4 स्टोर करना है, तो 4 एक्चुअली बाइनरी में स्टोर होगा, और उसका बाइनरी क्या होता है 4 का, 0100. इंटीजर है, 4 बाइट मेमोरी लेगा क्या, 4 बिट मेमोरी लेगा, 4 बाइट क्यों हो रहा था, अच्छा एनीवेज जो भी है, ये डिस्कशन कर लेंगे थोड़ी देर के बाद. सो इट विल स्टोर इट लाइक दिस. ठीक है, और आपके पास ये एड्रेस रहता है जहां से ये चीज स्टार्ट हो रही है. ठीक है, ये वाला एड्रेस आपके पास रहता है 1000 वाला, क्योंकि ये 4 यहीं से स्टार्ट हो रहा है. ठीक है, सो एनीवेज कमिंग बैक, लेट्स से अब आपने क्या किया, आपने एक वेरिएबल क्रिएट किया a इज इक्वल टू 4. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे आप एक वेरिएबल क्रिएट करते हो तो पाइथन उसको नेम बोलता है. ठीक है, पाइथन वेरिएबल को वेरिएबल नहीं बोलता, पाइथन उसको नेम बोलता है. सो आई कैन एक्चुअली शो दिस टू यू. अगर आप डायरेक्टली यहां पे a लिख के एंटर मारो तो बोल रहा है नेम इज नॉट डिफाइंड. इसका मतलब यहां पे वेरिएबल नहीं लिखा हुआ, देखो यहां पे नेम लिखा हुआ है. तो पाइथन कॉल्स वेरिएबल एज नेम. ठीक है, अब होता क्या है कि जैसे ही आप a इज इक्वल टू 4 करते हो, आपका a जो नेम है इट विल पॉइंट, स्टार्ट पॉइंटिंग टुवर्ड्स दिस मेमोरी एड्रेस. ठीक है, सो जब आप बोल रहे हो कि a में 4 स्टोर्ड है, तो एक्चुअली 4 कहीं पे स्टोर्ड है और a उस जगह पे पॉइंट कर रहा है. ठीक है, मतलब आई क्विकली शो यू ये चीज, आप देख सकते हो. लेट्स से मैंने लिखा a इज इक्वल टू 4. ठीक है, इट मींस कि अगर आप पता करना चाहो तो देयर इज एन आईडी फंक्शन जो मैंने आपको दिखाया भी था. तो जब आप आईडी ऑफ a करते हो तो इट विल गिव यू दिस नंबर, वो एड्रेस जहां पे 4 स्टोर्ड है. ठीक
ठीक है, आप एक्चुअली ये नंबर डेसिमल में, इसलिए हेक्साडेसिमल नहीं दिख रहा, बट आप चाहो तो हेक्स में कन्वर्ट कर सकते हो इसको यूजिंग द हेक्स फंक्शन. सो इफ यू पुट इट ओवर हियर यू वुड सी दिस हेक्साडेसिमल वैल्यू. सो मेरे कंप्यूटर पे 4 इस जगह पे स्टोर्ड है, ठीक है, और ये मैं प्रूव कर सकता हूं बाय ऑल्सो सर्चिंग फॉर आईडी ऑफ 4 एंड इट विल गिव यू द सेम नंबर 8352. ठीक है, सो आई गेस ये चीज आपको समझ में आया कि हो क्या रहा है. जब भी आप एक नेम क्रिएट कर रहे हो तो इट इज एक्चुअली पॉइंटिंग टू द एड्रेस ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग, 4 है या स्ट्रिंग है या कुछ भी है. अब ये जो वैल्यू की तरफ पॉइंट कर रहे हो इसको बोला जाता है कॉल बाय ऑब्जेक्ट रेफरेंस. सो आपने सी में शायद कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस पढ़ा होगा. सिंस पाइथन में एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट, आप इसको कॉल बाय ऑब्जेक्ट रेफरेंस बोलते हो क्योंकि ये कॉल बाय रेफरेंस के क्लोजर है. ये जो टेक्निक है दिस इज वेरी क्लोज टू कॉल बाय रेफरेंस. सिंस पाइथन में एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट यू कॉल दिस टेक्निक एज कॉल बाय ऑब्जेक्ट रेफरेंस. ठीक है, आई गेस यहां तक आपको समझ में आ रहा है. नाउ वॉट इज एलियासिंग, दिस इज द सेकेंड कॉन्सेप्ट दैट विल डिस्कस टूडे. एलियासिंग क्या होता है? एलियासिंग इज अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट. लेट्स से हमारे पास ए इज इक्वल टू 5 है और अगर आपने एक और वेरिएबल बनाया बी इज इक्वल टू ए, दिस इज नोन एज एलियासिंग. दिस इज एलियासिंग, एलियासिंग. सो अगर आपसे मैं पूछूं कि आईडी ऑफ ए अगर ये है तो वॉट डू यू थिंक विल बी आईडी ऑफ बी? तो व्हाट डू यू से, विल इट बी सेम और डिफरेंट? गाइस व्हाट डू यू से, सेम और डिफरेंट? सो द आईडी विल बी सेम, दैट्स द आइडिया बिहाइंड एलियासिंग. सो जैसे आप एलियासिंग करते हो होता क्या है, आई विल शो यू कि ये आपका ए पॉइंट कर रहा था, फिर आपने जैसे बी इज इक्वल टू ए किया तो एक और नेम क्रिएट हुआ बी जो उसी लोकेशन पे पॉइंट करने लग गया. ठीक है, आई गेस समझ में आ रहा है. दिस इज एलियासिंग. एलियासिंग का मेंटल पिक्चर रखना अपने दिमाग में हमेशा कि ए ऑलरेडी पॉइंट कर रहा है, बी भी पॉइंट कर रहा है. अब कल को अगर मैं वापस जाके यहां पे ये लिख दूं सी इज इक्वल टू बी, तो भी अगर आप आईडी ऑफ सी निकालोगे यू वुड फाइंड कि इट इज स्टिल द सेम. मतलब यहां पर एक और नेम क्रिएट हुआ सी, वो भी इधर ही पॉइंट कर रहा है. ठीक है, नाउ अ क्विक क्वेश्चन, व्हाट इफ आई डू दिस, आई राइट डेल ए, तो ए इज गॉन राइट. Now, what if I print B? What do you think? Print होगा या error आएगा? B रहेगा या B भी चला जाएगा? अगर आप ध्यान से सोचो तो आपको ये doubt हो सकता है कि चला जाए, but actually आप जब B को print करोगे तो अभी भी 5 आ रहा है. In fact, जब आप del B करोगे और अब B भी नहीं है तो भी C रहेगा. कैसे रहेगा? बहुत simple actually. देखो आप, जब आप डिलीट करते हो तो आप एक्चुअली इस 4 को डिलीट नहीं कर रहे हो, आप इस नेम को डिलीट नहीं कर रहे, आप इस रेफरेंस को क्रिएट डिलीट करते हो. ठीक है, तो जैसे मैंने डेल ए किया, मैं एक्चुअली ए जो 4 की तरफ पॉइंट कर रहा था मैंने उसको डिलीट कर दिया. ठीक है, और अब जो बी है वो अभी भी 4 की तरफ ही पॉइंट कर रहा है, भले ही ए चला गया तो इट डज नॉट मैटर. इसीलिए ए बी अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है, और आपने बी को डिलीट कर दिया तो सी अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है. ठीक है, ये हमेशा याद रखना, इसमें कंफ्यूज मत होना, इट डज नॉट मैटर. ठीक है, नाउ आई आस्क यू वन मोर क्वेश्चन. लेट्स से मेरे पास ए इज इक्वल टू 5 है, बी इज इक्वल टू ए है, और फिर मैंने कर दिया ए इज इक्वल टू 6. ठीक है, कैन यू टेल मी बी का वैल्यू क्या होगा, 5 या 6? अभी भी 5. क्यों? सोचिए, देखो पहले ए 4 की तरफ पॉइंट कर रहा था, फिर मैंने ए इक्वल टू 6 लिख दिया, तो अब ये पॉइंटर उठ करके दूसरी जगह चला गया, पर बी का पॉइंटर तो अभी भी वही है ना, तो उसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा. ठीक है, तो प्लीज इसमें कंफ्यूज मत होना, ये बहुत सिंपल सा अभी तक हम डिस्कस कर रहे हैं कि एलियासिंग क्या होता है. ठीक है, ओके, गोइंग फॉरवर्ड, अगर आपको कभी भी यह पता करना हो कि एक पर्टिकुलर वेरिएबल के ऊपर, एक पर्टिकुलर मेमोरी एड्रेस के ऊपर कितने वेरिएबल्स पॉइंट कर रहे हैं, आप ये काउंट कर सकते हो. कैसे? पाइथन में एक फंक्शन होता है, आई क्विकली शो यू, इस फंक्शन का नाम होता है गेट रेफ काउंट. ठीक है, मैं स्क्रोल डाउन कर रहा हूं, इंपोर्ट SYS, सिस्टम मॉड्यूल में एक फंक्शन होता है, उसके पहले मैं क्या कर रहा हूं, मैं ले रहा हूं ए इज इक्वल टू कोरोना, लेट्स से, फिर मैं एलियासिंग कर रहा हूं बी इज इक्वल टू ए,
सी इज इक्वल टू बी, और मैं अगर तीनों का आईडी प्रिंट करूं तो आपको पता है तीनों का आईडी शुड बी व्हाट, सेम, व्हाई, बिकॉज एरिया सिंक किया आपने, तीनों का आईडी सेम है और आईडी सेम है मतलब वैल्यूज भी सभी का सेम है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, व्हाट इफ मुझे पता करना है कि इस कोरोना, ये जो कहीं पे तो स्टोर होगा ये कोरोना मेमोरी में, एक्चुअली इस लोकेशन पे स्टोर है, तो मुझे ये पता करना है कि इस मेमोरी लोकेशन पे कितने वेरिएबल्स पॉइंट कर रहे हैं, ये मुझे पता करना है। क्लियरली आपको दिख रहा है कि अभी तीन वेरिएबल्स पॉइंट कर रहे हैं, बट हो सकता है कभी ज्यादा हो, तो अगर आपको कभी भी पता करना है कि कितने वेरिएबल्स पॉइंट कर रहे हैं तो देयर इज अ फंक्शन फॉर दैट, एंड दैट फंक्शन इज गेट रेफ काउंट, ठीक है। गेट रेफ काउंट कैसे काम करता है, बहुत सिंपल है, आप लिखते हो सिस डॉट गेट रेफ काउंट, और यहां पे आप पास कर देते हो इसमें से किसी भी एक वेरिएबल को, ए बी या सी को, किसी को भी, जैसे आप एंटर मारते हो यू आर गेटिंग 5 बिकॉज आई हैव नो आइडिया 5 क्यों है, आना चाहिए था 4, 4 क्यों आना चाहिए था वो मैं आपको बता रहा हूं, जितना भी वेरिएबल्स पॉइंट कर रहा होता है उसमें प्लस 1 कर दो, उतना होता है, प्लस 1 क्यों, क्योंकि जब गेट रेफ काउंट खुद पता करने जाता है कि उस एड्रेस पे कितने लोग पॉइंट कर रहे हैं, वो खुद भी पॉइंट करने लगता है, तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स प्लस 1 होता है, बट यहां पे 5 आ रहा है, 4 आना चाहिए था 5 आ रहा है। आई विल ट्राई सम अदर वर्ड, लेट्स से मैं ये बड़ा सा स्ट्रिंग ले लेता हूं और फिर मैं b इज इक्वल टू a कर देता हूं और c इज इक्वल टू b कर देता हूं, ठीक है, और अब मैं लिखता हूं sys डॉट गेट रेफ काउंट, और यहां पे अगर मैं a को पास करता हूं, हाँ तो देखो यहां पे सही आ रहा है, आई डोंट नो somehow कोरोना को पता नहीं कोई और वेरिएबल भी है अभी हमारी मेमोरी में जो पॉइंट कर रहा है, आप लोग अपने मशीन पे एक बार चला के देख सकते हो कि आपको भी 5 आ रहा है कि नहीं, मेरे मशीन में somehow देयर इज वन मोर वेरिएबल, आई डोंट नो, नॉट क्रिएटेड बाय मी, बट वो कोरोना की तरफ पॉइंट कर रहा है, दैट इज व्हाई दिस नंबर इज कमिंग आउट टू बी 5, बट अगर आपने कोई और स्ट्रिंग लिया जो उतना कॉमन नहीं है तो यू कैन सी इट्स गिविंग मी जस्ट 4, ठीक है। तो ऐसे आप कैलकुलेट करते हो या काउंट करते हो कि कितने वेरिएबल्स एक मेमोरी एड्रेस पे पॉइंट कर रहे हैं, ठीक है, ये एक चीज आपको सिखानी थी। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है गार्बेज कलेक्शन का, ठीक है, लेट मी शो यू ये कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये आपको बहुत पढ़ना पड़ सकता है और लैंग्वेजेस में भी, इट्स अ कॉमन थिंग बाकी लैंग्वेजेस में भी, तो व्हाट आई विल डू इज आई विल क्विकली रीड रॉन्ग। सो गार्बेज कलेक्शन का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, लेट्स से हमारे पास एक मेमोरी है ऐसे, और यहां पर लेट्स से 3 स्टोर्ड है, ठीक है, इस मेमोरी एड्रेस पे 3 स्टोर्ड है, ठीक है, फिर आपने एक वेरिएबल बनाया ए जो यहां पे पॉइंट कर रहा था, फिर आपने एलियासिंग कर दिया बी जो यहां पे पॉइंट कर रहा था, और फिर सी ये भी यहां पे पॉइंट कर रहा था, ठीक है, इसके बाद आपने लिखा डेल ए, डेल बी और डेल सी, तो जैसे आपने डेल ए लिखा ये कनेक्शन खत्म हो गया, जैसे आपने डेल बी लिखा ये कनेक्शन खत्म हो गया, और जैसे आपने डेल सी लिखा ये भी खत्म हो गया, मतलब इस पॉइंट पे 3, ये जो मेमोरी में है 3, इसको कोई भी पॉइंट नहीं कर रहा, कोई भी पॉइंट नहीं कर रहा, बट सोच के बताओ जब हमने डिलीट किया इन तीनों को, क्या ये 3 डिलीट हुआ मेमोरी से या ये अभी भी वहीं पर है? अभी तक के डिस्कशन के हिसाब से आई गेस आपको समझ में आ गया होगा कि आप इन रेफरेंसेस को डिलीट करते हो, आप यहां पे मेमोरी के अंदर कुछ डिलीट नहीं करते हो, तो इसका मतलब ये 3 अभी भी यहीं पर है, बट क्या कोई वेरिएबल यूज कर रहा है उसको? नहीं, कोई वेरिएबल भी इसको यूज नहीं कर रहा, इसका मतलब ये मेमोरी फालतू में अनयूज है, राइट, ऑक्यूपाइड है और अनयूज है, मतलब मुझे अगर चाहिए होगा तो मुझे दूसरी जगह जाना पड़ेगा, मैं इसको यूज नहीं कर सकता, ये यहाँ पे टाइम वेस्ट कर रहा है, मतलब मेमोरी वेस्ट कर रहा है, ठीक है, तो ऑब्वियसली अच्छा नहीं है, तो इसको हटाने का कुछ मैकेनिज्म होना चाहिए। अब अनफॉर्चुनेटली पाइथन आपको एज एन प्रोग्रामर को ये कैपेबिलिटी नहीं दे रहा है कि आप मेमोरी जाकर के खाली करो, जैसे सी देता है, ठीक है, जहां पे पॉइंटर्स वगैरह का कॉन्सेप्ट है, पाइथन आपको ये फीचर नहीं देता, ये पावर नहीं देता है। पाइथन में इंटरनली एक प्रोग्राम रन करता है जिसको हम गार्बेज कलेक्टर बोलते हैं। सो ये एक प्रोग्राम है जो पीरियोडिकली रन करता है मेमोरी में और चेक करता है कि क्या कोई ऐसा मेमोरी है जहां पर कुछ स्टोर्ड है बट कोई भी वेरिएबल उसकी तरफ पॉइंट नहीं कर रहा। अगर ऐसा कोई भी मेमोरी है वो उसको फ्री कर देगा, इट विल फ्री अप द मेमोरी, ठीक है, और फ्री अप करने से ये स्पेस खाली हो जाता है आगे के कंप्यूटेशंस के लिए, ठीक है। तो ये जो प्रोग्राम है इसको बोलते हैं गार्बेज कलेक्टर, कचरा उठाने वाला, और ये जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं गार्बेज कलेक्शन। हर लैंग्वेज में इंटरनली गार्बेज कलेक्टर होता ही है,
और अगर नहीं होता है जैसे सी में नहीं होता है तो वो आपको करना पड़ता है, मैनुअली करना पड़ता है, ठीक है, एज अ प्रोग्रामर। तो ऑब्वियसली वो डिफिकल्ट काम है, इसीलिए आजकल जो लैंग्वेजेस हैं जावा हुआ या फिर पाइथन हुआ या पीएचपी हुआ, ये सब लैंग्वेजेस इंटरनली गार्बेज कलेक्टर इंप्लीमेंट करके रखते हैं और उसका खुद का इंटेलिजेंस है कि कब घूम करके इस मेमोरी को फ्री अप करना है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। ओके, सो दैट वॉज गार्बेज कलेक्शन, यही चीज मैं आपको दिखा रहा था। अगर आप ए और बी दोनों को डिलीट कर रहे हो तो फिर गार्बेज कलेक्टर आकर के इस मेमोरी को फ्री अप करेगा, ठीक है। नाउ सम वियर्ड स्टफ, ठीक है। पाइथन डीप डाउन थोड़ा सा वियर्ड है, मतलब ऐसे तो बड़ा प्यारा लैंग्वेज है, सब कुछ इजी लगता है, बट जब थोड़ा सा आप पाइथन को और जानने का ट्राई करते हो थोड़ा मेमोरी लेवल पे, तो थोड़ा सा कुछ कुछ वियर्ड बिहेवियर शो करता है पाइथन, ठीक है। तो लेट मी शो यू सम ऑफ द वियर्ड बिहेवियर्स दैट पाइथन शोज, ठीक है। जैसे कि एक वियर्ड बिहेवियर ये है, वियर्ड बिहेवियर वन, ठीक है, ध्यान से देखना। ए इज इक्वल टू टू, बी इज इक्वल टू ए, सी इज इक्वल टू बी, ठीक है। तीनों का आईडी सेम होगा, आपको ऑलरेडी पता है ये चीज। नाउ व्हाट आई डू इज आई राइट सिस डॉट गेट रेफ काउंट, और यहां पर मैं पास कर दूंगा ए। कोई भी थोड़ा सा हेल्प करेगा मुझे बताने में कि क्या वैल्यू आएगा जब मैं एंटर मारूंगा, तो किसी को भी पता है क्या वैल्यू आएगा? व्हाट वैल्यू विल वी गेट, एनीवन? लॉजिकली स्पीकिंग कितना होना चाहिए? फोर, क्योंकि तीन वेरिएबल्स हैं और प्लस वन इसलिए हो जाएगा क्योंकि जब आप गेट रेफ काउंट को उस एड्रेस पे पॉइंट करवाते हो तो वो भी पॉइंट करने लग जाता है, तो प्लस वन हो जाता है। बट जब आप इस कोड को एंटर करोगे तो आपको ये मिलेगा 373, विच इज काइंड ऑफ वियर्ड, एक्सट्रीमली वियर्ड। क्योंकि हुआ क्या कि आना चाहिए था चार, बट देर आर 369 एक्स्ट्रा वेरिएबल्स जो अभी उस मेमोरी एड्रेस पे पॉइंट कर रहे हैं, ठीक है। अब आपसे इंटरव्यू में ये बिहेवियर दिखा करके पूछा जा सकता है कि बताओ क्या हुआ। तो जब मैंने पहली बार ये देखा था तो इट वॉज वियर्ड ऑब्वियसली, मतलब मुझे भी उतना ही वियर्ड लगा था जितना आपको लग रहा है। बट इसका एक्सप्लेनेशन जब मैंने सर्च किया तो मुझे ये पता चला कि एक्चुअली टू इज अ वेरी कॉमन नंबर, तो आपके सिस्टम के बहुत सारे वेरिएबल्स ऑलरेडी टू को यूज कर रहे हैं, यही इसका एक्सप्लेनेशन है। सो आप जब आइडल रन करते हो तो देर आर लाइक, खुद में ये सॉफ्टवेयर चल रहा है ना, इतने सारे प्रोसेसेस चल रहे हैं, इन प्रोसेसेस के अंदर अलग अलग प्रोग्राम्स होंगे, उन प्रोग्राम्स के अंदर अलग अलग वेरिएबल्स होंगे। सो देर आर अपेरेंटली 360 वेरिएबल्स जो इस पॉइंट पे टू को पॉइंट कर रहे हैं। सो मैंने जब ए इज इक्वल टू टू किया, इस पॉइंट पे एक्चुअली टू मेमोरी में क्रिएट नहीं हुआ था, टू पहले से क्रिएटेड था। मैंने जब ए बनाया ना तो वो एग्जिस्टिंग जगह पे पॉइंट करने लग गया, सो मैंने टू क्रिएट नहीं किया, पहले से क्रिएटेड है, ठीक है। तो ये चीज अगर आपको नहीं लग रही सही तो मैं एक्चुअली ये प्रूव कर सकता हूं, ठीक है, कि अगर मैं कोई थोड़ा अनकॉमन सा नंबर लू, जैसे कि ए इज इक्वल टू 61, थोड़ा अनकॉमन नंबर है, बी इज इक्वल टू ए, सी इज इक्वल टू बी, और अब अगर मैं लिखू सिस डॉट गेट रेफ काउंट, और यहां पर अगर मैं पास करूं ए, तो आप देखो 7 आ रहा है, अभी भी आना चाहिए था 4, बट सिंस दिस इज एन अनकॉमन नंबर तो थोड़े और कम वेरिएबल्स उसकी तरफ पॉइंट कर रहे हैं। अगर मैं और भी थोड़ा सा अनकॉमन नंबर लू, समथिंग लाइक 717, ठीक है, वेरी अनकॉमन, बी इज इक्वल टू ए, सी इज इक्वल टू बी, और अगर मैं फिर से सेम कोड रन करूं, गेट रेफ काउंट, और अगर मैं इसको रन करूं अब, तो यू वुड सी द आंसर इज 4, जितना आना चाहिए। सो अपेरेंटली इस पॉइंट पे सिस्टम में और कोई भी वेरिएबल ऐसा नहीं है जो इस एड्रेस पे पॉइंट कर रहा है, सो देयर इज अ ग्रेट चांस कि ये 717 मेमोरी में तभी क्रिएट हुआ जब कितना, d इज इक्वल टू 71, वो नहीं कर सकता ना यार, वो तो शेल में कोड चला गया ना, नीचे ही कर सकता हूं, और अब तुम सेम कोड रन करने को बोल रहे होगे। हाँ सही है, मतलब नहीं करेगा ये काम, मतलब तुमने आगे की चीज पहले करवा दी, ये काम नहीं करेगा, बट अगर मैं ये कोड लिखूंगा तो ये काम करेगा। ये देखो d इज इक्वल टू c, और अब अगर मैं ये कोड रन करूंगा तो 5 आ रहा है। अब आई नो तुम पूछोगे कि सेम ही बात हुई ना, जब ये कोड लिखा तो सेम ही बात हुई ना, बट ये सेम बात नहीं है, ये भी एक वियर्ड बिहेवियर है पाइथन का, ये मैं इसके बाद डिस्कस करने वाला था। तो आई गेस ये पहला वाला वियर्ड बिहेवियर समझ में आ गया, ये बड़े बड़े नंबर आप जस्टिफाई कर पा रहे हो। अब सेकेंड वियर्ड बिहेवियर जस्टिफाई करते हैं, जो उसने अभी पूछा कि जब मैंने डी इक्वल टू 717 किया
तो यहां पे 5 आना चाहिए था, 4 क्यों आया, राइट। और फिर जब मैंने डी इज इक्वल टू सी किया तो 5 आ गया, ये वियर्ड बिहेवियर क्यों? ठीक है, लेट मी शो यू क्यों, ध्यान से देखना और आंसर करना। मैंने एक वेरिएबल लिया ए इज इक्वल टू 4 और मैंने एक और वेरिएबल लिया बी इज इक्वल टू 4, ध्यान से देखना, दिस इज नॉट एलियासिंग। एलियासिंग कब होता, जब मैं बी इज इक्वल टू ए करता, दिस इज नॉट एलियासिंग, दिस इज नॉट एलियासिंग, दिस इज नॉट एलियासिंग, दिस इज एलियासिंग। ठीक है, सो मैंने किया बी इज इक्वल टू 4, ठीक है। यू हैव टू टेल मी, सोच के थोड़ा बताना, अगर आईडिया ऑफ ए ये है तो आईडिया ऑफ बी सेम रहेगा या डिफरेंट हो जाएगा, सेम या डिफरेंट? ये देखो सेम है, इट्स सेम, ठीक है। और अब एक चीज और दिखाता हूं मैं आपको, ए इज इक्वल टू 256, बी इज इक्वल टू 256, आईडी ऑफ ए आईडी ऑफ बी, अभी क्या लगता है, सेम या डिफरेंट? सेम, ठीक है। बट अब देखना, ए इज इक्वल टू 257, बी इज इक्वल टू 257, आईडी ऑफ ए आईडी ऑफ बी, सेम या डिफरेंट? डिफरेंट। तो वियर्ड बिहेवियर ये है कि जब मैं ए को इस तरीके से लिखा आईडी सेम थी, मैंने बी को इस तरीके से लिखा आईडी सेम थी, जब मैंने ए को 257 किया, 256 से 257 पे मैं जैसे ही गया, अलग आईडी क्यों हो गई? दिस इज द वियर्ड बिहेवियर। इनफैक्ट ये बिहेवियर यहां पर भी रहेगा, ए इज इक्वल टू माइनस 5, बी इज इक्वल टू माइनस 5, आईडी ऑफ ए आईडी ऑफ बी विल बी सेम, बट जैसे आप ए इज इक्वल टू माइनस 6 करोगे, बी इज इक्वल टू माइनस 6 करोगे, और अब आप जैसी आईडीज निकालोगे ए और आईडी निकालोगे बी का, इट वुड बी डिफरेंट अगेन। सो मतलब क्या हुआ कि जब तक आप माइनस 5 से लेकर के 256 के रेंज में वेरिएबल्स बना रहे हो, एलियासिंग नहीं कर रहे हो, वेरिएबल्स बना रहे हो, तो आईडी सेम है, बट जैसे आप माइनस 5 से कम हो जा रहे हो या फिर 256 से ज्यादा हो जा रहे हो, तो डिफरेंट आईडी जनरेट हो रही है, और वही यहां पर हुआ। मतलब बेसिकली अगर आपने 257 बनाया तो हो क्या रहा है 257 बनाने में, जस्ट आई विल जस्ट टेक वन मिनट एंड आई विल शो यू। जैसे आप 257 बना रहे हो क्या रहा है यहां पर बताता हूं मैं आपको। सो जैसे आपने लिखा ए इज इक्वल टू 256, तो यहां पे 256 था, यहां पे ए था, ए इसको पॉइंट करने लगा। जैसे आपने लिखा बी इज इक्वल टू 256, तो फिर से बी इधर ही पॉइंट करने लगा। बट जैसे आपने लिखा ए इज इक्वल टू 257, तो ये एक नया एड्रेस क्रिएट हुआ, यहां पे 257 है और ए इसको पॉइंट कर रहा है। और जैसे आपने लिखा बी इज इक्वल टू 257, अब एक और मेमोरी में 257 एक और क्रिएट हुआ और बी यहां पे पॉइंट कर रहा है। ये होता है, ये जो हो रहा है ये बिहेवियर, दिस बिहेवियर इज इन द रेंज ऑफ माइनस 5 टू 256, और ये जो बिहेवियर है ये है माइनस 5 से कम होने पर, सॉरी कम होने पर और 256 से ज्यादा होने पर, ये बिहेवियर, ठीक है। अब अगेन वियर्डनेस है ये, मैं आपको समझाता हूं ऐसा क्यों हुआ, बट यही वहां पे हुआ था जब उसने मुझसे वो डाउट पूछा था, इस जगह पे 717 वाला। सी, आपने एलियासिंग नहीं किया, आपने एक नया वेरिएबल क्रिएट किया, तो ये 717 और ये 717 दो अलग जगहों पे थे, इसीलिए गेट रेफ काउंट बोला कि अभी भी चार ही लोग इस पुराने वाले पे कर रहे हैं और ये वाला नई जगह पर है। पर जैसे ही मैंने वापस ये किया, एलियासिंग किया, तो 5 हो गया, ठीक है। नाउ कम्स द क्वेश्चन कि क्यों ऐसा क्यों कर रहा है पाइथन, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन है। ऑप्टिमाइजेशन क्या है कि पाइथन को लग रहा है कि माइनस 2 से 256 तक जो नंबर्स आते हैं वो सबसे ज्यादा यूज होने वाले नंबर्स हैं, तो आप जैसे ही पाइथन को ओपन करते हो, पाइथन खूब सारे सेल्स में इन नंबर को ऐसे फिल कर देता है, माइनस 5, माइनस 4, माइनस 3, माइनस 2, और फिर आप जब ए इज इक्वल टू 4 लिख रहे हो तो आप एक्चुअली नया 4 नहीं क्रिएट कर रहे हो, आप उसी वाले को यूज कर रहे हो, ठीक है। एलियासिंग मतलब आप बेसिकली उसी को पॉइंट कर रहे हो, तो ये सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन है चीजें फास्ट करने के लिए। और ज्यादा नंबर्स क्यों नहीं लिए,
फालतू में मेमोरी फेल होने लग जाता, ठीक है, दैट्स द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस सेकेंड बिहेवियर, ठीक है. नाउ द थर्ड बिहेवियर, जो अगेन थोड़ा सा आपको सरप्राइजिंग लगेगा, बट चलो देखते हैं. ए इज इक्वल टू हल्दिया, बी इज इक्वल टू हल्दिया, ठीक है. आइडिया ऑफ ए, आइडिया ऑफ बी, व्हाट डू यू थिंक गाइस, सेम या डिफरेंट? सेम या डिफरेंट? कोई इनपुट आपकी साइड से? सेम रहेगा, ठीक है. अब इसका आंसर देखो, हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, बी इज इक्वल टू हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, बिल्कुल सेम है. आईडी ऑफ ए, आईडी ऑफ बी, अब बताओ सेम या डिफरेंट? दिस वन इज डिफरेंट, दिस वन इज डिफरेंट. अब एक और देखो, What do you think about this? Same or different? Same. So this was same. This was same. But this was different. But this was again same. Koi explain kar sakta hai ye weird behavior? Can you explain this behavior? Actually, ye explainable hai. So, जब तक आपने जो स्ट्रिंग दिया है, अगर वो एक वैलिड आइडेंटिफायर है, मैंने आपको आइडेंटिफायर पढ़ाया था सेकेंड क्लास में. वैलिड आइडेंटिफायर क्या होता है? जो डिजिट से स्टार्ट नहीं होता और उसमें स्पेशल कैरेक्टर के नाम पे सिर्फ अंडरस्कोर हो, दैट इज अ वैलिड आइडेंटिफायर. जैसे ये एक वैलिड आइडेंटिफायर नहीं है क्योंकि इसके अंदर स्पेस है, ठीक है. ये एक वैलिड आइडेंटिफायर है क्योंकि इसके बीच में अंडरस्कोर है, ठीक है. ये भी एक वैलिड आइडेंटिफायर है क्योंकि ये डिजिट से स्टार्ट नहीं हो रहा, ठीक है. तो जब भी वैलिड आइडेंटिफायर है तो यू आर गोइंग टू गेट सेम आईडीज. बट जैसे ही आपके पास वैलिड आइडेंटिफायर्स नहीं होंगे, पाइथन फिर से डिफरेंट आईडीज क्रिएट करने लग जाएगा. तो अगेन दिस इज द जस्टिफिकेशन. आप ट्राई करके देख सकते हो अलग अलग स्ट्रिंग में. यहां पे आप अंडरस्कोर के बदले परसेंट डाल के देखो, फिर से डिफरेंट आईडीज आने लग जाएंगी, ठीक है. तो ये कुछ पता नहीं, बहुत सारे और वियर्ड बिहेवियर है पाइथन के अंदर, बट ये तीन सबसे कॉमन है और इनके बारे में क्वेश्चंस कभी कभी पूछा जाता है अच्छी कंपनीज में, टॉप टीयर कंपनीज में. तो आई थॉट कि सिंस हम पढ़ ही रहे हैं अच्छे से, तो व्हाई नॉट डिस्कस दिस वन एज वेल, ठीक है. नाउ यही तीन बिहेवियर्स हमने देखे, गेट रेफ काउंट एनोमली -5 to 256 और स्ट्रिंग्स के अंदर जो एनोमली था, ठीक है. नाउ वन थिंग दैट आई वुड लाइक टू डिस्कस बिफोर डिस्कशन म्यूटेबिलिटी, कि लिस्ट वगैरह जो होते हैं पाइथन में वो कैसे स्टोर करते हैं मेमोरी को, मेमोरी में वो कैसे स्टोर होते हैं, ठीक है. जैसे कि लेट्स से हमारे पास एक लिस्ट है जिसके अंदर ये है 1 2 3, ठीक है. तो ये कैसे स्टोर होगा वो मैं आपको बताता हूं. सो ये लिस्ट ऐसे बनेगा, ठीक है. इसमें तीन चीजें होंगी, ठीक है. और लेट्स से हम एक काम करते हैं, यहां पर भी एक लिस्ट बना लेते हैं, साथ ही साथ आपको प्रैक्टिकल भी मैं दिखा दूंगा. सो दिस इज 1, 2, 3, ठीक है. और अगर मैं आईडी ऑफ एल कर रहा हूं तो दिस इज गिविंग मी दिस नंबर. तो ये लिस्ट एक्चुअली ये जो आईडी है ना, ये जो बड़ी सी आईडी आ रही है, लेट्स इसको 3352 बोलते हैं. तो ये 3352 एक्चुअली इस वाले सेल की आईडी है, पहले वाले की जहां से लिस्ट स्टार्ट हो रहा है. तो इसकी इसकी आईडी क्या है, मतलब इसका एड्रेस क्या है, 3352. लिस्ट जो है, एल जो है वो यहां पे पॉइंट कर रहा है. एल इज अ वेरिएबल, एल इज अ नेम, और ये लिस्ट 3352 से स्टार्ट हो रहा है, इसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है. अब ऐसा नहीं होता सी की तरह या बाकी लैंग्वेज की तरह कि 1 यहां पे होगा, 2 यहां पे होगा और 3 यहां पे होगा, ऐसा नहीं होता गाइस.
उल्टा यहां पे क्या होता है, आई जस्ट यूज इरेजर, यहां पे अब क्या होगा कि तीन और मेमोरीज बनेगी, ठीक है, तीन और मेमोरीज बनेगी, यहां पे वन स्टोर होगा, यहां पे टू स्टोर होगा और यहां पे थ्री स्टोर होगा, ठीक है। और ये जो इस मेमोरी का जो एड्रेस है ये कैसे निकलेगा मैं आपको बताता हूं। ये देखो मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, अगर आप आईडी ऑफ वन निकालो, यहां पे वन स्टोर्ड है, ठीक है, एंड आई कैन एक्चुअली क्रॉस चेक दिस। ये देखो अगर आईडी ऑफ एल का जीरो निकालो, एल का जीरो क्या है, इस एल का जीरो क्या है, दिस वन, तो आईडी ऑफ एल का जीरो विल गिव मी द सेम थिंग, ये देखो 8256। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो वन है ये एट, व्हाट वाज द नंबर, 8256, ये यहां पे स्टोर्ड है, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं आईडी ऑफ टू निकालू, यहां पर अगर मैं आईडी ऑफ टू निकालू तो इट इज 8288, 8288, ठीक है। और अगर मैं आईडी ऑफ थ्री निकालू तो इट इज 8320, दिस इज 8320, ठीक है। तो अब क्या होगा, इस लिस्ट में इस जगह पे स्टोर होगा 8256, बेसिकली यहां पे आप पॉइंट कर रहे हो, यहां पे स्टोर होगा 8288 जो यहां पे पॉइंट करेगा, और यहां पे स्टोर होगा 8320 जो यहां पे पॉइंट करेगा, ठीक है। इस तरीके से स्टोरेज होता है पाइथन के लिस्ट में, ठीक है। अब लेट्स से मैंने ये किया कि मैंने लिखा एल का टू इज इक्वल टू थ्री, एल का टू कौन सा है, थ्री ऑलरेडी है, लेट्स से उसको मैंने वन कर दिया, ठीक है, लेट्स से मैंने उसको वन कर दिया, तो अब एल का वैल्यू ये हो जाएगा 121, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने ये किया, कलर चेंज कैसे होता है, हमने क्या किया, हमने ये रेफरेंस हटा दिया, हमने ये रेफरेंस हटा दिया, ये नंबर हटा दिया, और ये वाला भी जो था वो भी यहां पे पॉइंट करने लग गया, और यहां पे भी क्या वैल्यू आ जाएगा, 8256। एक्चुअली आप प्रूव कर सकते हो ये चीज, अगर आप आईडी ऑफ एल का टू करो तो यू आर एक्चुअली पॉइंटिंग टू द सेम नंबर 8256, लाइक दिस, ठीक है। सो दैट इज हाउ लिस्ट्स आर स्टोर्ड इन मेमोरी, ठीक है। अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स, लेट्स से हमारे पास एक लिस्ट है जो कि ऐसा दिखाई देता है, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, मतलब एल इज दिस। तो इन दिस केस क्या होगा, ये पूरा चीज आई विल क्विकली शो यू, दिस एंटायर थिंग विल लुक लाइक दिस। आपके पास एक लिस्ट होगा जिसमें पांच स्लॉट्स होंगे लाइक दिस, ठीक है। आपके पास और भी कुछ स्लॉट्स होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, और आपके पास एक और लिस्ट होगा जिसमें दो स्लॉट्स होंगे, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, ये बंदा इधर पॉइंट कर 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 रहा है, टोटल तो चार ही थे ना, सॉरी ये वाला चीज नहीं होगा, दिस विल नॉट बी देयर, चार ही स्लॉट्स होंगे, इनफैक्ट इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, ठीक है। और फाइनली क्या होगा, ये बंदा इसको पॉइंट कर रहा होगा, ठीक है। इस तरीके से स्टोरेज होता है लिस्ट का, और टपल्स का भी ऐसा ही होता है, ठीक है। सो थोड़ा सा ये चीज आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि यहां पे स्टोरेज थोड़ा डिफरेंट है, ओके ओके। सो ये मेरे को एक साइड से पढ़ाना था, ये पीपीटी का पार्ट नहीं है, बट आई गेस आपको समझ में आ गया। नाउ कम्स दिस पार्ट जहां पे वी विल डिस्कस कि म्यूटेबिलिटी क्या होता है। दो दिन से हम म्यूटेबल म्यूटेबल बोल रहे हैं, म्यूटेबल होते हैं कुछ डेटा स्ट्रक्चर्स, कुछ इम्यूटेबल होते हैं, इसका मतलब क्या है। सो अगर आप स्लाइड पे फोकस करो, मैं थोड़ी देर इसको नीचे लेके आता हूँ। सो आपको पहला ये डेफिनेशन पढ़ना है कि म्यूटेबिलिटी होता क्या है। सो म्यूटेबिलिटी रेफर्स टू द एबिलिटी टू चेंज और एडिट डेटा इन इट्स मेमोरी लोकेशन। सिंपल से बात है, म्यूटेबिलिटी का मतलब है कि अगर आप एड्रेस के अंदर यहां पे घुस करके अगर आप चेंज कर पाओ, दैट इज म्यूटेबिलिटी। अगर आप चेंज नहीं करो, नहीं कर पाते हो एड्रेस के अंदर ही, सेम एड्रेस रखते हो, अगर आप चेंजेस नहीं कर पाते, दैट इज इम्यूटेबिलिटी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। और म्यूटेबिलिटी डिपेंड्स ऑन द डेटा टाइप,
कौन सी चीज मेमोरी में चेंज हो जाएगी कौन सी चीज नहीं चेंज होगी, ये इस चीज पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह के डेटा के साथ डील कर रहे हो। ठीक है, सो ये स्लाइड हमेशा याद रखना कि स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट, बूलियन, कॉम्प्लेक्स और टपल, ये जितने भी डेटा टाइप्स हैं ये सब के सब इम्यूटेबल है। मतलब अगर आप इनको चेंज करने जाओगे तो एड्रेस भी चेंज करना पड़ेगा। वेयर एज लिस्ट, डिक्शनरी और सेट्स ऐसे डेटा टाइप्स के एग्जाम्पल हैं जहां पर अगर आप चेंज करना चाहो तो आप इन प्लेस चेंजेस कर सकते हो, एड्रेस चेंज नहीं होगा। ठीक है, आई गिव यू थ्री एग्जाम्पल्स। सो द फर्स्ट एग्जाम्पल इज दिस, दिस इज द फर्स्ट एग्जाम्पल जहां पे मैं आपको एक स्ट्रिंग के साथ चेंजेस करके दिखाऊंगा। सो लेट्स से ए में स्टोर्ड है हेलो, ठीक है, ये रहा आईडी ऑफ ए। ओके, अब मैंने क्या किया, मैंने लिखा ए इज इक्वल टू ए प्लस वर्ल्ड। ठीक है, अब ऑब्वियसली ए में चेंजेस हो गए, बट क्या हुए? नहीं, नहीं हुए। सिंपली हुआ क्या, मैं आपको जल्दी से दिखाता हूं। अगर आप आईडी ऑफ ए निकालो तो एड्रेस हैज चेंज्ड, मतलब एक कंप्लीटली नया स्ट्रिंग फॉर्म हुआ और अब आपका जो नेम है अब पिछले वाले के बदले इसको पॉइंट करने लग गया। ठीक है, सेम एग्जांपल आई कैन शो यू विद अ टपल। सो लेट्स से वी हैव अ टपल व्हिच इज अगेन अ इम्यूटेबल डेटा टाइप, पी इज इक्वल टू, हमारे पास 1 2 3 है। ठीक है, और हमने आईडी ऑफ टी जब निकाला तो वी गॉट, क्या हुआ ये, आईडी ऑफ टी निकाला तो हमारे को ये मिला। ठीक है, अब मैंने लिखा टी इज इक्वल टू पी प्लस, कॉन्कैटिनेशन किया हमने 5, 6। ठीक है, नो डाउट टी में चेंजेस हो जाएंगे, बट क्या टी में चेंजेस हुए? नहीं, एक कंप्लीटली नए मेमोरी लोकेशन पे एक नया टी फॉर्म हुआ, एक नया वेरिएबल फॉर्म हुआ विच इज अ कंप्लीटली डिफरेंट टपल। ठीक है, यही चीज मैं आपको स्लाइड से भी समझा सकता हूं, ध्यान से देखो। सो व्हेन यू आर डीलिंग विद अ म्यूटेबल इम्यूटेबल डेटा टाइप लाइक अ टपल, सो होता क्या है कि मेमोरी में स्टोर्ड है, ऑब्वियसली मेमोरी में स्टोरेज ऐसा नहीं होता, मैंने आपको जैसा थोड़ी देर पहले दिखाया वैसा होता है, बट आप जैसे ही, जैसे ए पॉइंट कर रहा है टू द फर्स्ट लोकेशन, अब आपने जैसे ही इसको चेंज किया, यू कैन नॉट डू इट ओवर हेयर, तो होगा क्या, एक कंप्लीटली नए मेमोरी लोकेशन पे, एक कंप्लीटली नए एड्रेस पे यू विल गेट अ कंप्लीटली न्यू टपल। ये वाला रेफरेंस खत्म होगा और उसके बदले ये नया वाला रेफरेंस क्रिएट हो जाएगा लाइक दिस। ठीक है, और ये वाला टपल अब मेमोरी में चला गया और गार्बेज कलेक्टर आकर के उसको हटा देगा। ठीक है, और ये आपका नया हो गया। ठीक है, बट व्हाट इफ यू आर वर्किंग विद अ म्यूटेबल डेटा टाइप, जैसे कि एक लिस्ट होता है, लेट मी शो यू एक लिस्ट के केस में क्या होगा। लेट्स से वी हैव अ लिस्ट एल इज इक्वल टू 1, 2, 3। ठीक है, दिस इज एल, अगर आप आईडी निकालो लिस्ट का तो दिस इज द एड्रेस। ठीक है, अब आपने क्या किया, आपने लिखा एल डॉट अपेंड और आपने इसके अंदर में लेट्स से 4 डाल दिया, ऑब्वियसली एल चेंज हो गया। और अब अगर आप आईडी ऑफ एल करो, सी इट्स द सेम मेमोरी लोकेशन 4680, सेम ही आ रहा है। तो यहां पे अगर आप मेमोरी वाइज बात करो, हुआ क्या, ये रहा ऐसे स्टोर था आपके पास, पॉइंट कर रहा था ये, आपने अपेंड किया तो इन प्लेस चेंजेस हो गए और आपको ये रेफरेंस खत्म करने की जरूरत नहीं पड़ी, इसीलिए आपका आईडी इवन आफ्टर द ऑपरेशन इज सेम। ठीक है, आई गेस ये वाला चीज आपको समझ में आ गया, यही होता है म्यूटेबिलिटी। म्यूटेबिलिटी मतलब जब भी आप इम्यूटेबल डेटा टाइप्स का काम कर रहे हो और कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करोगे, हमेशा नए जगह पर एक नया ऑब्जेक्ट फॉर्म होगा और आपका रेफरेंस टूट करके नए जगह पॉइंट करने लग जाएगा, मतलब एड्रेस चेंज होगा। व्हेन यू आर डीलिंग विद म्यूटेबल डेटा टाइप्स ये एड्रेस चेंज नहीं होता क्योंकि इन प्लेस चेंजेस आप कर पाते हो। ठीक है, अब म्यूटेशन जो होता है या जो म्यूटेबिलिटी होती है, इट्स अ डेंजरस थिंग, मतलब ऐसा नहीं है कि अच्छी बात है ये, इसमें एक बहुत बड़ा गड़बड़ हो सकता है। लेट मी शो यू, लेट्स से आप अपने टीममेट्स के साथ काम कर रहे थे और आपका एक सीनियर है, उसने एक लिस्ट बना रखा था बेचारे ने, और वो लिस्ट कुछ ऐसा था 1, 2, 3। ठीक है, और उसने आपको बोला कि तू कुछ काम कर दे, तो आपने क्या किया, आपको उसके लिस्ट की जरूरत थी तो आपने एक लिस्ट बनाया L1 और आपने इसे कॉपी कर लिया। ठीक है, सो दिस इज L1, ठीक है, एंड दिस इज L, ऑब्वियसली दोनों का आईडी विल बी सेम, ये रहा आईडी ऑफ, क्योंकि आपने बेसिकली एलियासिंग किया ना, तो एलियासिंग में आपको पता है कि द आईडीज विल बी सेम। ठीक है, अब आप अपना कोड करने लगते हैं और आपने अपेंड कर दिया उस लिस्ट में 4। ठीक है, अब L1 क्या है, वही आईडी ऑफ L1 अभी भी क्या है,
वही तो इसका मतलब सिर्फ L1 में ही चेंजेस नहीं हुए, L में भी चेंजेस हो गए। आपका सीनियर प्रोग्रामर सर पकड़ के बैठा है कि भाई मेरा लिस्ट मिसबिहेव क्यों कर रहा है, फोर कहां से आया, और उसको कोई आइडिया नहीं है क्योंकि बिहाइंड द सीन्स आपने गलती से, सिंस लिस्ट आर म्यूटेबल, आपने ओरिजिनल वाले में चेंजेस कर दिए। इसको अगर आप डायग्रामेटिकली देखो तो ये हुआ, ये था उस बंदे का, मेमोरी में था, ए पॉइंट कर रहा था, फिर आपने एलियासिंग कर दिया, मतलब आपने ये कर दिया, ठीक है। अब आपने क्या किया, अपेंड मारा, सिंस वो म्यूटेबल है, इन प्लेस चेंजेस हो गए और बेचारा ए भी रोने लग गया, ठीक है। द क्वेश्चन इस तरह की सिचुएशन से आप कैसे बचोगे, स्पेशली जो इनएक्सपीरियंस प्रोग्रामर्स होते हैं वो इस तरह की गलती कर जाते हैं, फ्रेशर्स हुए या इंटर्न्स हुए। इससे बचने का तरीका होता है क्लोनिंग। सो जब भी आप म्यूटेबल डेटा टाइप के साथ काम कर रहे हो और आपको कभी भी कॉपी करना है, तो आप ये नहीं करोगे एल इज इक्वल टू L1, ये नहीं करोगे आप। लेट मी शो यू आप क्या करोगे। जैसे एल ये रहा और जैसे आपको एक कॉपी मारना है, तो आप ये लिखोगे एल स्क्वायर ब्रैकेट कोलोन। जैसे आप ये करोगे, अब आप L1 डॉट अपेंड करो। एक्चुअली उसके पहले मैं आपको दिखा सकता हूं कि जैसे आपने ये सिंटेक्स लिखा, तो आपका आईडी ऑफ एल इज एक्चुअली डिफरेंट फ्रॉम आईडी ऑफ L1। सी ऑलरेडी डिफरेंट है, तो अगर आप L1 में कुछ अपेंड भी करते हो, लेट्स से आपने अपेंड कर दिया 5, तो L1 में चेंजेस हो गए बट L इज स्टिल इंटैक्ट। क्लोनिंग ऐसा दिखाई देता है, ये रहा। जैसे आपने ये सिंटेक्स लगाया, तो होगा क्या कि आप एक कॉपी क्रिएट कर रहे हो उस लिस्ट का एट अ डिफरेंट मेमोरी एड्रेस, और B वहां पे पॉइंट कर रहा है। तो अगर आप इसमें चेंजेस कर भी दो लाइक दिस, इट विल नॉट हैम्पर द दिस थिंग ऊपर वाले को, ठीक है, और इसलिए आप बच जाओगे, ठीक है। तो म्यूटेबिलिटी से थोड़ा संभल के रहना आपको, क्योंकि वहां पे गड़बड़ हो सकती है। ओके ओके, एक लास्ट चीज और, एक लास्ट एग्जाम्पल, उसके लिए आई वुड आस्क यू दिस, आई आस्क यू दिस क्वेश्चन, थोड़ा सोच के बताना। द क्वेश्चन इज दिस कि वी हैव अ टपल, वी हैव अ टपल 1, 2, 3, एंड देन इनसाइड द टपल द फोर्थ आइटम दैट वी हैव इज अ लिस्ट लाइक 4, 5, ठीक है। यू हैव टू टेल मी व्हाट विल हैपन इफ आई डू दिस। ये काम करेगा या नहीं करेगा, ये आपको आंसर करना है। एरर थ्रो करेगा, आंसर इज करेगा, ठीक है, क्योंकि एट द एंड मैटर क्या करता है कि आप किस चीज में चेंजेस कर रहे हो। क्योंकि अगर आप इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, इस चीज का अगर आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, तो हमने एक्चुअली क्या किया है, हमने ये बनाया, आई जस्ट रीड्रॉ दिस। सो अगर आपके पास एक टपल है जो ऐसा दिखाई देता है, ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, लिस्ट में 4, 5, तो एक्चुअली मेमोरी लेवल पे इसका स्ट्रक्चरिंग कैसा होगा, ठीक है। यहां पे आपका 1 होगा, यहां पे आपका 2 होगा, यहां पे आपका 3 होगा, ये यहां पे पॉइंट करेगा, ये यहां पे, और ये एक लिस्ट को तरफ पॉइंट करेगा, जहां पे ये 4 की तरफ पॉइंट करेगा और ये 5 की तरफ पॉइंट करेगा, ठीक है। ये है पूरा स्ट्रक्चर, ठीक है। और ये इसलिए हो पाएगा क्योंकि ये म्यूटेबल डेटा टाइप है। इट मींस ये अब 500 यहां पे था, तो जब आपने एडिटिंग किया तो आप बेसिकली ये रेफरेंस हटा करके यहां पे पॉइंट कर रहे हो, यहां पे तो कोई परेशानी नहीं हुई ना, ये तो एज इट इज अभी भी है, इसलिए होने देगा, ठीक है। आई गेस ये चीज आपको समझ में आ रही है। नाउ नाउ द क्वेश्चन इज कि इसके साथ क्या होगा, अगर मैं एक लिस्ट लू जिसमें 1, 2, 3 है और लास्ट में एक टपल है विच इज 4, 5, और अगर मैं ये करने का ट्राई करूं, थोड़ा सोचना, अगर मैं ये करने का ट्राई करूं, ए माइनस वन इक्वल्स 500, यू हैव टू टेल मी ये ऑपरेशन काम करेगा कि नहीं करेगा। नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, फिर से ड्रॉ करते हैं, फिर से ड्रॉ करके देखते हैं क्यों नहीं करेगा। इस बारी डिफरेंस क्या है कि इस बारी डिफरेंस ये है कि आपके पास एक लिस्ट है जिसमें 1, 2, 3 और उसके बाद एक टपल में 4, 5 है। फिर से आपने ये बनाया, यहां पे आपका 1, 2, 3 है, यहां पे ये पॉइंट कर रहा है, यहां पे ये पॉइंट कर रहा है, दिस इज पॉइंटिंग टू अ टपल, दिस इज अ टपल, ठीक है। और टपल है जो 4 और 5 के साथ क्रिएटेड है, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, आप क्या बोल रहे हो
आप बोल रहे हो कि ये जो कनेक्शन है इसको उठा करके 500 पे लेके जाओ, ये ब्रेक करके यहां पे लेके जाओ। अब खुद सोचो, यहां पर जो एड्रेस है, यहां पे जो एड्रेस है, मान लो यहां पे 5000 एड्रेस है, ये एड्रेस किस चीज का है? ये स्टपल का एड्रेस है, ये स्टपल का एड्रेस है, ठीक है। अब आपने क्या बोला कि इस 500 से इसको 500 कर दो, मतलब टपल को एडिट करो। अब बताओ क्या टपल को मैं एडिट कर सकता हूं विदाउट इस एड्रेस को चेंज किए? इट्स अ इम्यूटेबल डेटा टाइप, राइट? इम्यूटेबल है मतलब अगर उसको एडिट करना है तो एड्रेस चेंज करना पड़ेगा, और एड्रेस चेंज नहीं होने देगा टपल, दैट इज वाई ये ऑपरेशन काम नहीं किया, ठीक है। आई गेस ये वाला चीज आपको समझ में आ रहा है कि ये काम क्यों नहीं कर रहा, ठीक है। बेस्ड ऑन दिस एक्सप्लेनेशन आई लास्ट यू अ लास्ट क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज दिस, हमारे पास ए में एक लिस्ट है 1, 2, हमारे पास बी में एक और लिस्ट है 3, 4, और मेरे पास सी में एक टपल है जिसके अंदर पहला आइटम ए है और दूसरा आइटम बी है, मतलब सी ये है, ठीक है। इस पॉइंट पे आईडी ऑफ ए ये है, आईडी ऑफ बी ये है, और आईडी ऑफ सी ये है, ठीक है। क्वेश्चन इज दिस, व्हाट डू यू थिंक विल हैपन व्हेन आई विल राइट दिस कोड? सी का जीरो इज इक्वल टू 100, ये कोड काम करेगा या नहीं करेगा? हो जाएगा, ऑब्वियसली हो जाएगा, क्योंकि वहां पे लिस्ट है, तो विदाउट एड्रेस चेंज किया आप चेंज कर सकते हो, मतलब सी अब ये बन चुका है, ठीक है। अब द क्वेश्चन इज दिस कि आईडी ऑफ ए चेंज हुआ या नहीं हुआ? नहीं होगा। द क्वेश्चन, द डिफिकल्ट क्वेश्चन इज दिस कि सी का एड्रेस चेंज होगा कि नहीं? ये भी नहीं होगा, क्योंकि लिस्ट का ही एड्रेस चेंज नहीं हुआ, ये भी वही रहेगा, ठीक है। और अगर आपको इसी समझ में नहीं आई तो आपको ये डायग्राम देख के समझ में आ जाएगा। देखो यहां पे क्या हुआ, सी पॉइंट कर रहा था इस टपल की तरफ, ये टपल में दो चीजें थी, पहला लिस्ट और दूसरा लिस्ट। आपने यहां पे एडिट मारा, इस जगह पे एडिट मारा, बट यहां पे एडिट मारने से इसका एड्रेस चेंज नहीं हुआ, तो इसका एड्रेस चेंज नहीं हुआ, और इसका एड्रेस चेंज नहीं हुआ, तो इसका एड्रेस चेंज नहीं हुआ, ऊपर तक नहीं गई बात, ठीक है। अब एक चीज बताओ, अगर मैं यहां पर एक चीज और करूं, वापस देखना, दिस इज सी, अब ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूं। मैं बोल रहा हूं क्या कर रहा हूं मैं ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूं सी का जीरो इज इक्वल टू, बाय द वे एक चीज इसके पहले, एक चीज करने के पहले एक चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि लिस्ट अगर आपके पास कोई है, अगर आपके पास कोई लिस्ट है और लिस्ट का आईडी ये है, ठीक है, लिस्ट में अगर आप अपेंड कर रहे हो तो वो विदाउट एड्रेस चेंज किए हो जाता है, बट अगर आप कॉन्कैटिनेट कर रहे हो लाइक दिस तो फिर एड्रेस चेंज हो जाता है। ये देखो, ये हमेशा याद रखना, लिस्ट के ऊपर अपेंड करो, एडिट करो, इंसर्ट करो, एक्सटेंड करो, ये जितने भी बिल्ट इन फंक्शन है इनके ऊपर अगर आप काम कर रहे हो तो एड्रेस चेंज नहीं होता, क्योंकि म्यूटेबल है। बट अगर आप कॉन्कैटिनेट करोगे ना तो एक नया लिस्ट बनता है नए मेमोरी एड्रेस पे, ठीक है। ये याद रखते हुए अब ध्यान से देखो, ये रहा मेरा सी और मैं ये कर रहा हूं, सी का जीरो इज इक्वल टू सी का जीरो प्लस 5, 6। माय क्वेश्चन इज, ये ऑपरेशन काम करेगा कि नहीं? द आंसर इज नहीं, नहीं करेगा। सोच के देखो क्यों नहीं करेगा, क्योंकि अब आप क्या कर रहे हो, अब आप बोल रहे हो कि यहां से अब आप इस कनेक्शन को ब्रेक करने का बात कर रहे हो, क्योंकि आप जैसे ही कॉन्कैटिनेट कर रहे हो तो एक नया लिस्ट बन रहा है, और नया लिस्ट बन रहा है मतलब आप बोल रहे हो कि टपल का ये वाला कनेक्शन ब्रेक होके कहीं और जाएगा नए लिस्ट की तरफ, बट टपल एक बार बन चुका है तो दोबारा तो नहीं बनेगा, हिलेगा तो नहीं वो अपनी जगह से, इसलिए वो ऑपरेशन काम नहीं कर रहा है, ठीक है। अब एक चीज और, इफ यू रिमेंबर मैंने सी को कैसे बनाया था, मैंने सी को बनाया था ए और बी से। सी एक्चुअली क्या था, एक टपल था जिसके अंदर ए और बी था, ठीक है। दिस इज सी एंड दिस इज ए, ठीक है। माय क्वेश्चन इज दिस कि अगर मैं लिखूं ए इज इक्वल टू ए प्लस 5, 6,
मतलब मैं टपल का सिंटेक्स यूज ना करके, सी जीरो क्या है एक्चुअली, सी जीरो इज बेसिकली द फर्स्ट लिस्ट और ए भी क्या है, इट्स द सेम लिस्ट। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, ये काम करेगा, ये काम कर जाएगा। अब हो गया है, काम करेगा, देख लो ये रहा ए आपका, ए में चेंजेस हो गए। द क्वेश्चन इज सी का वैल्यू में चेंजेस होंगे या नहीं होंगे, क्या सी के वैल्यू में भी चेंजेस होंगे अगर ए की वैल्यू में चेंज हुआ तो? नहीं होगा सी के वैल्यू में चेंज, क्यों नहीं होगा? आई गेस आपको समझ में आ रहा है। देखो एक बारी मैं आपको जल्दी से ड्रॉ करके दिखा रहा हूं क्या हुआ यहां पे। आपका सी पॉइंट कर रहा था, सी इज बेसिकली अ टपल, सी इज पॉइंटिंग टू अ टपल जिसमें दो आइटम्स हैं। दिस फर्स्ट आइटम इज पॉइंटिंग टू अ लिस्ट जिसमें खुद दो आइटम्स हैं और इसी को पॉइंट कौन कर रहा है, ए। एंड दिस इज पॉइंटिंग टू अ सेकेंड लिस्ट जिसमें खुद दो आइटम्स हैं और इसको पॉइंट कौन कर रहा है, बी। ठीक है, बट जैसे ही मैंने ये कोड लिखा, ए इज इक्वल टू ए प्लस 5 6, तो इससे एक नया लिस्ट बना जिसमें चार आइटम्स थे, ठीक है। और फिर आपने रीअसाइनमेंट किया, मतलब आपने ये कनेक्शन ब्रेक कर दिया और ए को यहां भेज दिया। बट क्या सी में कुछ भी चेंजेस हुए? सी तो अभी भी वैसे ही है, चेंजेस किसमें हो गए, इस वाली लिस्ट में, और इसको ए पॉइंट करने लग गया। इसलिए आप ए के थ्रू करवा पाए काम, लेकिन ओरिजिनल सी में कोई चेंजेस नहीं हो पाए, टपल में कोई चेंजेस नहीं हो पाए, ठीक है। आई होप ये चीज आपको समझ में आई, आई रियली होप, क्योंकि थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है फर्स्ट टाइम अगर आप कर रहे हो ये सब कुछ, बट आई वुड रिकमेंड दिस वॉज इट। मतलब और नहीं पढ़ रहा मैं इसमें, और नहीं पढ़ा रहा इसमें मैं कुछ भी।